अभी आपको एंटर कराने वाला हूँ अपने स्कूल के। तो गाइस आइए मेरे साथ साथ। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे मैं हमेशा अपना टाइम एक्सपेंड करता था। तो मैं अपना बचपन लाइफ का हर एक मोमेंट को दिखाने जा रहा हूँ, अमेजिंग यादगार को ताज़ा करते हुए, अपना बचपन को फिर से रिमेमोराइज करते हुए। आइए गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमकेडी देव। सो आइए, ये हाई स्कूल जहाँ पे मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया था, हाई सेकेंडरी कंप्लीट किया था। यह मेरा अपना स्कूल है जो दिल के बड़े करीब है, गॉब बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि 1951 को एस्टेब्लिश हुआ था। सो गाइस अभी आपको एंटर कराने वाला हूँ अपने स्कूल के। तो गाइस आइए मेरे साथ साथ। गाइस आप जो ये प्लेग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे बचपन में हम लोग बहुत बास्केटबॉल खेला करते थे, और हम लोग का एक टीम था जो बहुत यहाँ पे बास्केटबॉल खेला करता था। आई डोंट नो आप ही यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते कि नहीं पता नहीं, बट फील तो फील वैसे पहले जैसा, पर अब फील पहले जैसा था अभी फील वैसा ही है, बट मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इस फील को। काश मेरा बचपन फिर से आता और फिर से खेल पाता था। सो ये बास्केटबॉल प्लेग्राउंड, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये पहले बिल्डिंग था नहीं, बट अब ये नया बनाई ये बिल्डिंग को। तो गाइस यहाँ तो पूरा जंगल हो चुका है, अब देख रहे हो। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते, ये है अपना बॉयज हाई स्कूल। गाइस ये सब जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये कोई नया लगाने वाला पेड़ नहीं, जब हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तब से ये लगाया हुआ था, मतलब ये बहुत पहले से था ये पेड़, और अभी भी ये सब पेड़ है। अभी इसमें थोड़ा बहुत काट दिया गया था, बट फिर भी ये बहुत सारा पेड़ है अभी भी, तो अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। तो गाइस और थोड़ा आगे बढ़ते, सो लेके चल रहा हूँ मैं अपना क्लासरूम की ओर जहाँ पे मैं पढ़ता था। वैसे तो मैं यहाँ पे एंट्री किया था 2008 से, तब मैं क्लास 8 पे था। और हाँ, सबसे अमेजिंग बात यह है कि मैं ईयर्स के हिसाब से मैं अपना क्लास प्रमोट करता गया। जब मैं क्लास 8 पे था, इसी रूम में पढ़ता था, बट अब तो सब बंद है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप जानने के लिए देख रहे ये रूम। और ये रहा क्लास 8 का रूम, मेरा वाला रूम कुछ ऐसा था, ऐसा दिखता था। सो गाइस ये है मेरे क्लास 8 का रूम जो कुछ इस तरह के दिखता है, जो कि बहुत सुंदर है। पहले जैसे था अभी भी वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है और हम खुद बदल गए, बट स्कूल अभी भी वैसा ही है जैसे पहले दिखता था। इसके बाद चलिए थोड़ा आगे की ओर। और जब मैं क्लास 9 पे था तब गाइस ये जो रूम देख रहे हो, ये क्लास 9 का रूम था जब मैं क्लास 9 पे था, तो इसी रूम पे था ये क्लास 9 का रूम। अब तो ये बंद है, फिर सो ये है क्लास 10 का रूम जब मैं क्लास 10 पे था, तो ये इसी रूम पे पढ़ता था क्लास 10 यानी 2010 को। सो अब ये तो दरवाज़ा लॉक है, अब तो ये दिखा नहीं सकते अभी क्योंकि बंद करके चले गए स्टूडेंट लोग। तो ये रहा मेरा अपना क्लासरूम। तो अपने हॉल की ओर लेके जाना,
ये थेरा कल्चरल हॉल। ये हम लोग का कल्चरल हॉल जहाँ पे हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम होता था, पर अब तो दिखा नहीं सकते खोल के, इसलिए बाहर से आपको दिखा दिया। तो ये है हम लोग का कल्चरल हॉल। तो आज और थोड़ा आगे की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का इको क्लब, बॉयल इको क्लब, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। और ये रहा हम लोग का प्रिंसिपल रूम, जो हम लोग का प्रिंसिपल यहाँ पे रहता है। अभी प्रिंसिपल तो है नहीं, प्रिंसिपल चला गया, लेकिन अभी यहाँ का चौकीदार अभी बंद करके चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस आप जो ये फिल्म देख रहे हो, पहले हम लोग यहाँ पे प्रे करता था। क्लास में एंटर करने से पहले हम लोग ये जगह पे हम लोग प्रेयर करता था। बहुत लंबा लाइन रहता था हम लोग का पहले बचपन में, और क्लास का हर एक स्टूडेंट यहाँ पे आके प्रेयर करता था। और प्रेयर सो हम लोग प्रेयर ख़त्म करके यहाँ से होते हुए सो ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे टीचर, मैडम, प्रिंसिपल और जो हम लोग का जीएस होता था पहले, यहाँ पे खड़ा रह के अपना कमांड्स देता था। यहाँ पे कमांड करते थे पहले यह हम लोग का स्कूल जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, वो 1951 को एस्टेब्लिश हुआ था, और तब से लेके अभी भी वो चल रहे। और हम लोग का जो ये स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्कूल है। और हम लोग के स्कूल का एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे फूल है थोड़ा बहुत, अभी तो फूल है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है आपको दिखाते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत गार्डन भी देख लीजिए। बस ये फील्ड जहाँ पे पहले हम लोग खेला करते थे। सो ये रहा फील्ड, जो कि पूरा का पूरा नेट से ढका हुआ है। ये बाउंड्री कवर, जो ये बाउंड्री जो है उसको कवर करके रखा है। पानी का जो टैंकी है यहाँ पे है, तो लोगों को पानी पीना होता तो लोग यहाँ पे आके पानी पीते थे। पहले तो वहाँ पे था, बट अब सिस्टम बदल चुका है, तो यहाँ पे लोग आके पानी पीते, जो कचरा यहाँ पे फेंक के डस्टबिन भी है। और हर एक जगह पे एक डस्टबिन ऐसे है, मतलब कुछ भी कचरा हो तो हमेशा लोग डस्टबिन पर फेंकते हैं, कोई मतलब यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, क्योंकि यहाँ का जो डिसिप्लिन है बहुत अच्छा से मेंटेन होता है। तो गाइस निकालने का वक्त हो चुका है, तो अभी आदमी निकल रहे हैं और अभी एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे मैं टिफिन स्पेशली टिफिन टाइम पे टाइम एक्सटेंड कर रहा था। तो मिस यू माई हाई स्कूल। तो दरवाज़ा खोल के उन्होंने ये इशारा किया कि आप कभी भी आ सकते हो, ऑलवेज वेलकम फॉर यू। सो मैं कोशिश करूँगा फिर से आने के लिए, और अच्छा लगा। सो मिस यू ए लॉट ऑफ। सो गाइस अभी एक मंदिर की ओर लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं टिफिन टाइम में स्पेशल वहाँ पे एक्सपेंड करता था टाइम, अपना अवेलेबल टाइम। वो रहा शिव मंदिर, जो कि बहुत ही छोटा है, सुंदर है। अभी शिव मंदिर का दर्शन कराएंगे आपको, शाम का टाइम है। मतलब ऐसे होता था कि जब भी हमारा टिफिन टाइम, स्पेशली टिफिन टाइम में, ब्रेक टाइम में हम लोग यहाँ पर आते थे, और इस मंदिर पर आके मैं बैठा रहता था। पर अब तो ये मंदिर बंद है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस ये वो मंदिर है
जहाँ पे मैं हमेशा अपना टाइम एक्सपेंड करता था अपना वैल्यूएबल टाइम, पर स्पेशली मैं हमेशा यहाँ पे अकेले आता था। पर ये बहुत अच्छा लगता कि यहाँ पे आने के बाद अपने आप को सुकून फील होता है। सो ये मंदिर बहुत अच्छा है, शिवरात्रि के समय यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। हम लोग भी बहुत बार आए थे यहाँ शिवरात्रि के टाइम, और अभी तो फिलहाल मंदिर बंद है तो जाके कोई फाइनल पूजा तो है नहीं, तो मंदिर घुसते नहीं, बाहर से आपको मंदिर का नज़ारा दिखाई देगा क्योंकि मंदिर का अंदर जो है वहाँ से लॉक है फिलहाल, किसी किसी दरवाज़ा खोल तो नहीं सकते, तो आप बाहर से देख लीजिए। वैसे तो है ये शिव मंदिर, सो गाइस इतना साल के बाद मैं अपना स्कूल फिर से देखा, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और अपना जो बॉयज़ हाई स्कूल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जो बचपन जो है बॉयहुड लाइफ वहाँ पे एक्सपेंड किया था, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा अपना बॉयज़ हाई स्कूल से, स्पेशली जो है मेरा एजुकेशन लाइफ वहाँ पे एक्सपेंड किया था, जो मेरा जितना सारा दोस्त बना था यहाँ पे और मेरा इतना जो नॉलेजेबल लाइफ जो है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और सब कुछ बोलना, सब कुछ करना, सब कुछ जीने के सभी सही गलत बोलना करना सीखना यहीं से मैंने सीखा था। और जो मेरा एक्सपीरियंस जो किया था, यहाँ का जो टीचर है, यहाँ का जो मैडम है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से सिखाते पढ़ाए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ता था स्कूल पे तो हर कोई मुझे बहुत प्यार करता था, और उस टाइम में मेरा चोटी बना हुआ रहता था, हमेशा टीका लगा के आता था क्योंकि मैं हूँ था कृष्ण भक्त जो अभी भी हूँ फिलहाल, सो हमेशा चंदन लगा के आता था, लोग मुझे पंडित जी बोल के मतलब थोड़ा पुकारते थे, थोड़ा रेस्पेक्ट भी देते, तब से मैं पंडित जी बोल के जाना जाता हूँ। अभी भी स्पेशली मेरा दोस्त लोग जो है, मेरा क्लासमेट जो है स्कूल का, अभी भी पंडित जी बोल के बुलाते हैं। सो ये थोड़ा एज ए कॉमेडी बोल सकते हैं, एज ए रेस्पेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई प्यार से मुझे कोई भी नाम से पुकारे मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इंसल्ट करे तो मुझे गुस्सा आता है। क्या बोला तूने? जो यहाँ का जो टीचर जो है, यहाँ जो मैडम जो है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं पढ़ाई लिखाई, जो बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, बहुत सबको पढ़ाते हैं, जिसके वजह से अभी मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ कि अब सबके सामने बात कर रहा हूँ। तो गैस उन लोगों का शायद नतीजा होगा, उन लोगों का कृपा आशीर्वाद होगा जो जिसके वजह से मैं अभी इतना बड़ा बन चुका हूँ। सो अभी यही बोलना चाहता हूँ कि बचपन की ज़िंदगी जो है ना, उसी टाइम पूरा पूरे मज़ा लेने, क्योंकि अगर एक बार छोड़ जाए ना तो फिर दोबारा उसको मिलता नहीं, इसलिए बोलता हूँ कि जो बच्चे लोग आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग भी ये जो बचपन का जो लाइफ है ना, आप लोग कोई गेमिंग या मोबाइल में कोई टाइम पास मत करो, क्योंकि ये जो लाइफ है ये आपको एंजॉय करने का टाइम है। अब ये टाइम पे अगर एंजॉय नहीं करोगे तो बाद में आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा और मांग के भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने आपको सिर्फ एक ही मौका देता है, उसी मौका में आपको चौका मारना है। अगर मौका में चौका नहीं मारा तो आपका लाइफ पूरा टोटली हेल। सो मेरा जो लाइफ भगवान ने दिया है मुझे, बहुत मैंने हैप्पीली कमाया, बहुत सभी स्टूडेंट के साथ मैंने बहुत अपना खुशी अपना पल बिताया, सभी के साथ अपना कीमती वक्त गवाया। और जो है मेरा जो टीचर्स लोग हैं, जो था पहले प्रिंसिपल जो अभी है, हर कोई यहाँ का अच्छा है, क्योंकि यहाँ का टीचर लोग का बात करने का तरीका, उन लोग प्यार करने का तरीका कुछ अलग है, बहुत अच्छा से प्यार करके बढ़कर, जिसके वजह से मैं अभी भी किसी को भूलना था। और जब भी मैं स्कूल अपने स्कूल के स्टूडेंट, अपने स्कूल का जो टीचर, अपने स्कूल का मैडम जो रेस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे भी वो लोग बहुत अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो लोग। सो गाइस यही बात बोलते हुए अपना अवेलेबल टाइम जो आपने मेरे इस वीडियो के लिए आपने टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइस यहीं पे अपना ये वीडियो स्टॉप करते हैं, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए। इसके बाद मैं आ रहा हूँ एक नया वीडियो लेके जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, डेस्टिनेशन में बता नहीं सकता कौन सा जगह पे, बट बहुत एक अच्छा एक जगह लेके आ रहा हूँ। तो गाइस आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।